तो हमारे पास प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप वर्ग का केसीएल कितना है? 250 है और HCF है, लघुत्तम समाप वर्ग कितना है? 50। यदि पहली संख्या को दो से भाग देने पर भागफल शेष फल भागफल 50 हो, शेष फल 0 हो। दो से भाग देने पर भाग फल कितना हो? 50 हो और शेष फल क्या हो? 0। जाहिर सी बात है ये संख्या कौन है? 100 है ना भाई, तभी तो भाग फल 50 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक फार्मूला रखता है। क्या फार्मूला रखता है? दो संख्याओं का लसा गुणित मसा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये फार्मूला है। हम इसको चतुर्थ दुसावी में पढ़ें। यहाँ पर ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन आपका 100, 125, 100, 125 और 150 आपके ऑप्शन है। तो लसा कितना है? 250 है। भाषा कितना है? 50 है। बराबर पहली संख्या कौन मिल गई? 100 मिल गई। तो दूसरी संख्या कौन होगी? सीधी सी बात है, इसको आप इधर लेके क्या कर दीजिए? बटा कर दीजिए। 0000 कैंसिल, 25 125 आपका सही आंसर। 125 कौन है? ये दूसरा सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष फल बचता है। 47 जो है शेष फल आता है, और तो उसी संख्या को 18 से भाग देने पर कितना शेष फल बचेगा? ऑप्शन है आपके पास 12, बी 11, सी 47 और डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में ये देखना चाहिए कि ये 342 और 18, मतलब 18 342 का गुणनखंड थोड़ी, अगर गुणनखंड होगा तो दोनों के शेष फल भी सेम आ जाएगा, थोड़ा से आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है, चलिए 342 को 18 भाग देंगे, देखिए 18 एवं 18 और कितना हो जाएगा? 12 में से आठ गया 4, 14 में से आठ गया 6, यानी कि 1 118 62 और 18 नहीं है 162, मतलब इसका क्या है? ये गुणनखंड। इसलिए कोई भी संख्या 100 उसको 342 और 18 दोनों में भाग देंगे तो ये 47 वाला स्टेप जो है मिलेगा, लेकिन 18 में ये आगे जा रहा है, 18 18 18 36। सही आंसर क्या है आपके पास? 11। बी सही आंसर। इस्माइल और पूजा के पास 7:3:1 में कुछ पैसे थे, 7:3:1 में कुछ पैसे थे। इस्माइल के पास 490 रुपये थे, यदि पूजा के पास पैसे, इस्माइल के पास कितना है भाई? 490 रुपये। और पूजा के पास जो पैसा है वो किसमें है? 10 रुपये के सिक्के में। तो हमको क्या करना है? तो सीधी सी बात है, मान ली जाए टोटल पैसा 100 था, टोटल पैसा 100 था, तो 100 का 7/10 बराबर 490 रुपये, इससे हमको 100 का वैल्यू मिल जाएगा। और सीधी सी बात है, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 70, 7 × 7 = 700, तो वैल्यू कितना है? 700 रुपये। और टोटल पैसा है 700 रुपया, और 700 रुपया का कितना हिस्सा जो है पूजा के पास रहेगा? 3/10 हिस्सा। 7/3 में 3/10 हिस्सा जो है पूजा के पास रहेगा, एक्चुअल में 210 रुपये।
और 210 रुपया को 10 रुपये के नोट में आप करोगे तो कितना निकलेगा 21। कितना 21। इसमें ऑप्शन 21 है। हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी, यही सही ऑप्शन होगा। प्रश्न हमारे पास 101 नंबर और इसका ऑप्शन है 55, 77 और 78। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा बसा फोकस करना है। किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर, परिमाप 36 मतलब सब 6 परिमाप है, चारों तरफ को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 36, तो 6 जो 24, 36 आना चाहिए तो 12 तो 24, 36 ही चार प्रकार को चार नहीं है 36, 9 है चार। और आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है चौड़ाई 7 है तो सामने भी 7 होगा, 7 14, तो दोनों का परिमाप बराबर है तो परिमाप इसका भी निकलना चाहिए 36, इसका भी निकलना चाहिए 36, तो 14 14 12 कितना होता है 36, 6 इधर होगा 6 इधर होगा, 7 और 14 और 14 12 28 होता है, 22 करना पड़ेगा नहीं तभी तो 36 होगा ना, इसको 11 और 11 करना पड़ेगा, 11 11 इसका ये साइड हो गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 11 77 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है 102 30 का 10% प्लस 30 का 10% सॉरी 40% और माइनस 30 का 90% बराबर आंसर है 0124। चलिए इसको देख करते हैं, 30 का 10% मतलब 30 गुणित 10/100 मतलब 0003 आ गया, प्लस 30 का 40% 30 गुणित 40/100 0000 मतलब कि कितना आ गया जी, क्या किया 12, और माइनस है 30 का 90% 30 गुणित 90/100 0000 मतलब 9 किया 27 रूट 3 प्लस रूट 12 और माइनस रूट 27 ये आपके पास मिल गया इसका डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रूट 3 प्लस 4 किया 12 होता है 2 रूट 3 यहाँ निकल जाएगा और 9 किया 27 अर्थात 3 रूट 3 यहाँ निकल जाएगा, तो रूट 3 प्लस रूट 3 को बाहर निकल दिए 2 3 तो रूट 3 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, तो सही आंसर क्या होगा 0। राम ने 2 साइकिल प्रत्येक 990 के दर से बेची, यदि उसे एक साइकिल पर 10% का लाभ हुआ और दूसरी साइकिल पर 10% हानि हुई तो दोनों साइकिलों का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर पहली साइकिल को 990 रुपये में वो बेच रहा है मतलब कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा कम, या दूसरी भाषा में कहें यदि एक से इसका क्रय मूल्य है तो इस पर जो लाभ कमा कर 990 रुपया वो बना, लाभ कितना हुआ है 10%, इसका 10% एक से का 10% बराबर 990 रुपया और ये हो जाएगा 10 × 10 = 11 110 बराबर 990 590 11 × 11 999 और ये 0 हो जाएगा बराबर 900 एक बराबर 900 पहली साइकिल उसने किसने खरीदी 900 ने। अब दूसरा साइकिल की बात करें, दूसरा में उसको कितना हानि हो रहा है, दूसरा में उसको 10% हानि हो रहा है, हानि का तात्पर्य है जो क्रय मूल्य है जितना भी मान लिया है उसमें जो उसको हानि को आप माइनस करो तो क्या निकलेगा आपका विक्रय मूल्य निकलेगा। यही नहीं चीज कोई खरीद रहा है
खरीदने के बाद उसको घाटा में बेच रहा है, तो जितना पैसा होगा वो हानि को माइनस करके उसका विक्रय मूल्य निकलेगा। कितना बेच रहा है दूसरा साइकिल, उसको भी 990 रुपये बेच रहा है। तो चलिए मान लीजिए 100 रुपये इसका खरीदी है, 10% हानि मतलब 10 × 100 और बराबर 990 रुपये। तो सेम वही बात आ जाएगी, 9 × 100 आएगी, 10 में से एक चला जाएगा इस टाइम से, बराबर 990। तो 9 × 9 = 99, 1 = कितना निकला 11 0, ये 0 लेकर 1100। तो दूसरा साइकिल जो खरीदा उसने 1100 रुपये खरीदा था, तो 900 + 1100 कितना हुआ 2000 रुपया। तो सही आंसर होगा ए, बिल्कुल यानी गलत नहीं। दो पॉइंट ए और बी, एक टाइम को कम से कम 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एक दो पॉइंट ए और बी को, ए और बी एक टाइम को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पॉइंट एक साथ को दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सीधी सी बात है, 20 मिनट लगता है और 30 मिनट लगता है, उसको दोनों को भरने में कितना समय लगेगा। तो 1/20 इसको लगेगा और 1/30 इसको लगेगा। तो जोड़ेंगे तो 20 और 20 का लॉस कितना होगा, 600 का और 2 × 6 = 30 + 20 50 × 600 = 5 × 5 = 7। सही आंसर होगा 12। ये तरीका सिंपल है भाई, 20 मिनट लगता है तो उसको भरने में, तो 1 मिनट में कितना भरेगा वो 1/20 हिस्सा भरेगा। इसको 30 मिनट लगते हैं तो 1 मिनट में कितना हिस्सा भरेगा 1/30 हिस्सा भरेगा। अब दोनों एक साथ खोलेंगे फाइल, तो दोनों मिलाकर वो 1/12 हिस्सा भरेगी। 1/12 हिस्सा कितने में, 1 मिनट, 1 मिनट में 1/12 हिस्सा भरेंगे, तो उसको पूरा भरने में 12 मिनट लगेगा। ऐसे लगेगा 1 मिनट में 1/12 हिस्सा, तो 2 मिनट में 2/12, 3 मिनट में 3/12, 4 मिनट में 4/12, 12 मिनट में 12/12 माने कि एक हिस्सा मतलब एक पूरा कंप्लीट। ये इसका आंसर है, तो निबंध कर लीजिए।